हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयदीप और आप देख रहे हैं जैसी ऑल इन वन चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्लाइट टिकट ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही एकदम रिजनेबल रेट में, जिसमें आपको ट्रांजेक्शन चार्ज भी उतना नहीं लगेगा, ऐसा मैं आपको एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। और वो भी गवर्नमेंट है तो उसमें आपको चार्ज भी बहुत कम लगता है। जैसे प्रोसेसिंग फ़ी, ट्रांजेक्शन फ़ी 150 रुपीज़, यानी कि 150 रुपये आपको लगता है, उससे ज़्यादा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको कोई भी, आप प्ले स्टोर से इस एक ऐप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऐप भी गवर्नमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर से IRCTC एयर करके एक है। आप उससे यूज़ ना कर पाए प्ले स्टोर से तो यहाँ से आप IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे शो हो जाएगा फ्लाइट, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको ओपन कर लेना है IRCTC एयर को। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ, यहाँ से दिल्ली है वहाँ पे मैं बॉम्बे डाल देता हूँ, और बॉम्बे है वहाँ पे मैं दिल्ली डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉलम मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके वापस आना है तो राउंड ट्रिप क्लिक करना है, और आप एक ही बार जाना है तो यहाँ पे वन वे कर देना है, तो मैं यहाँ से वन वे कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से फ्रॉम, आपको जहाँ से जाना है यहाँ पे आपको कोड बताओ तो कोड डालना है, नहीं तो आपको नाम डाल के भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको जहाँ जाना है वो नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको नीचे पूरा डेस्टिनेशन शो हो जाएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से तारीख सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको कौन सी डेट को जर्नी करनी है, यात्रा करनी है, तो यहाँ से आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही नीचे डेट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे प्राइस भी शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से प्राइस जो कम लगे उस हिसाब से आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप यहाँ से कम प्राइस वाली टिकट के दिन यात्रा कर सकते हैं। यहाँ से मैं सिंपली 2 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ये कॉलम में, आप यहाँ पे राउंड ट्रिप सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉलम में भी आपको रिटर्न टिकट का यहाँ पे डालना दिखा देगा कि कौन सी तारीख को आपको रिटर्न होना है, तो मैं सिंपली इस तरह से डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कितने पैसेंजर हैं, आप अकेले हैं, आपके साथ और कितने लोग हैं, यहाँ पे जितने लोग हो तो यहाँ से प्लस कर देना है, एक से ज़्यादा लोग हो तो। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 साल से 12 साल तक कोई बच्चा है तो आपको इसमें डालना है, तो इसमें यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें 2 साल से कम उम्र का बच्चा हो तो इसमें आप डाल सकते हैं, यहाँ पे प्लस एक से ज़्यादा हो तो ये भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे क्लास का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप बिजनेस, यहाँ पे आप जो चाहे वो क्लास, यहाँ पे प्रीमियम क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी, इकोनॉमी बिजनेस, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इकोनॉमी क्लास का दिखाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं जो फ्लाइट के लिए है, मैं अभी सर्च कर रहा हूँ तो इसको कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे सर्च फ्लाइट पे चले जाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। ये रूट की मुंबई से दिल्ली तक जितने भी फ्लाइट होगी यहाँ पे शो हो जाएगी, तो उसके बाद आपको मैं दिखा रहूँगा कि आपको किस तरह से ये सर्च करना है। ये अभी सर्चिंग लोडिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है। ऐसे ये ऐप गवर्नमेंट है तो आप इसको कोई, आपकी सिक्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट ऐप है, IRCTC को आप सब लोग यूज़ करते ही है। इसके बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एयरलाइन का नाम मिल जाएगा, यहाँ पे डिपार्च कितने बजे यहाँ से चलने वाली है, कितने बजे वहाँ फ्लाइट पहुँचेगी, और यह ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बोले तो कितना टाइम लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पे प्राइस शो हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी फ्लाइट है, तो यहाँ पे पूरा नाम के साथ यहाँ पे शो हो जाएगा। पहले इंडिगो की थी, SpiceJet की है, इसके बाद यहाँ पे इंडिगो आ गई। इस तरह से आप जो टाइम पे जो फ्लाइट में जाना चाहते हैं या पे यहाँ से टाइम चॉइस यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कौन सी डेट पे जाना है। तो इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ यहाँ पे
कितने पैसेंजर, कौन सी डेट है, ऊपर शो हो जाएगा, एक बार कंफर्म कर ले। इसके बाद यहाँ पे टाइम अपने हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर ले, अपने घर से एयरपोर्ट इतने बजे पहुँचने वाले हैं तो ही टिकट करे, क्योंकि इसमें रिटर्न टिकट कैंसिल करने पे ज़्यादा कुछ रिफ़ंड मिलता नहीं है। इसके बाद सपोज़ आपको जिस पे जाना है उस पे रख के आपको नीचे बुक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इसको बुक कर लेना है। बुक करने के ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा डू यू वांट टू यूज़ जीएसटी नंबर फ्रॉम दिस बुकिंग। आपके पास जीएसटी नंबर है तो इसको यस करके आपका जीएसटी नंबर, कंपनी नेम और कंपनी का ईमेल आईडी डाल देना है। लेकिन हमारे केस में कोई जीएसटी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली नो कर देंगे, तो हमें आगे वाले पेज पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो आगे वाले पेज में जाने के बाद आपको वहाँ पे पैसेंजर का नाम डाल, यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी आपको वही डालना है जो आपका IRCTC का आईडी है, आपको इसमें कोई नया या कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे मेरा IRCTC का जो अकाउंट है मैं वही डाल देता हूँ। इसके बाद मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे साइनिंग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं साइनिंग होने के बाद पूरा मुझे रिडायरेक्ट पेज में कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल, फ्लाइट मुंबई टर्मिनल 1 से चलेगी, दिल्ली टर्मिनल पे जाएगी, 2 घंटा 10 मिनट फ्लाइट का फ्लाइट टाइम लेगी वहाँ तक पहुँचाने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगेज का भी यहाँ पे है, हैंडबैग 7 किलो तक ले जा सकते हैं और कैबिन बैग 20 किलो तक आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ लिया है। यहाँ रिफंड पे भी ये रिफंडेबल है, आप फ्लाइट की टिकट कैंसिल करते हैं तो कंपनी का जो चार्ज है, फ्लाइट का चार्ज है, वो कट के आपको जो बाकी पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सीट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट सीट पे चले जाएंगे। तो यहाँ से आप, ये ऑप्शन पहले नहीं आता था, अभी सिंपली शायद चालू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड वाली सीट अवेलेबल नहीं है, ओनली फॉर ग्रीन है वही सीट अवेलेबल है, और ये ब्लू है उसमें आपको चार्ज है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्राइस के हिसाब से, आप विंडो सीट चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा आपको पे करना रहता है। तो यहाँ से मैं सीट को कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं वो एयरपोर्ट जाके ही करवाने का सोचता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं IRCTC बुकिंग चार्ज 50 रुपये, 50 ओनली फॉर 50 रुपये चार्ज लगता है। इसके बाद अदर चार्ज, यही टिकट आप कोई भी पेटीएम या कोई भी वेबसाइट में ट्राई कर लो, ये 4000 रुपये की टिकट वहाँ पे 5200 से 5300 तक हो सकती है। इसके बाद ये पूरा डिटेल देखने के बाद यहाँ पे अलाउ कर लेना है टर्म्स एंड कंडीशन को। इसके बाद कंटिन्यूड बुकिंग पे चले जाना है। कंटिन्यूड बुकिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले कोई भी नाम डाल देना है। इसके बाद आपका कोई सरनेम हो तो सरनेम डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगा, यहाँ से आपको प्लेस डाल देना है। प्लेस डालने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा, उसको अलाउ करके सबमिट कर लेना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। पेमेंट वाले ऑप्शन में रिडायरेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पावर बाई IRCTC पे, यहाँ पे 0.9 से लेके 1.8 तक ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन चार्ज पे करना पड़ेगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी से भी पेमेंट करते हैं तो आपको सिंपली ट्रांजेक्शन चार्ज देना है। इसके बाद आप वो ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, इंटरनेशनल कार्ड, EMI और फ़ोनपे, ये सबसे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे UPI में भी आपको बहुत सारी सर्विस मिल जाएगी, या वॉलेट में भी आप जाएंगे तो वॉलेट में भी आप देख सकते हैं। मैं मेक पेमेंट में जाके आपको दिखा देता हूँ, मैंने मेक पेमेंट में कर दिया है सिलेक्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है, बहुत सारे वॉलेट भी यहाँ पे अवेलेबल है, ओला मनी हो गई, जियो मनी हो गई। यहाँ से आप EMI का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शायद पहले नहीं आता था, अभी EMI का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप EMI करके बजाज से भी आप इसको टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे कार्ड नंबर, कार्ड यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देना है। यहाँ से आप, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, इस तरह से मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के इसको कंफर्मेशन करेंगे तो आपकी टिकट हो जाएगी। मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए किया था,
ये पेमेंट होने के बाद आपको आपके मेल पे टिकट भेज दी जाएगी। वो टिकट लेके आपको एयरपोर्ट पे वही काउंटर पे जाना है जिसकी आपके पास टिकट है। आपके पास इंडिगो की टिकट है तो आपको इंडिगो के काउंटर पे जाना है। आपके पास स्पाइसजेट की है तो आपको स्पाइसजेट वाले काउंटर पे जाना है और वहाँ से आपको एक बोर्डिंग पास मिलेगा। वो बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको बस या टर्मिनल से आपको प्लेन में बैठने को मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।